ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रारणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। एक अंधा दिन के उजाले में किसी का सहारा लेकर के अपने मित्र के यहां चला गया। पूरा दिन मित्र के यहां रहा। चूंकि वो दोनों आंखों से अंधा था, इसलिए दिन का उजाला हो या रात, उसके लिए तो अंधा ही है। फिर भी पूरा दिन वो अंधा अपने मित्र के यहाँ रहा। शाम होने का वक्त आया तो अंधे के मन के अंदर चिंता हुई, अंधेरे में गिर जाऊंगा, कोई उठाने वाला तक नहीं मिलेगा, घर वापस जल्दी चला जाता हूँ। ये सोच करके अंधे ने अपने मित्र से कहा कि मित्र मैं घर निकल जाता हूँ। और मित्र ने स्नेह वसात थोड़ा देर और रोक लिया। रुकने पर घनघोर अंधियारा हो गया। अब अंधियारे में अंधे को अपने घर जाना था। अंधियारे में अंधे को अपने घर जाना था तो उसका मित्र समझदार निकला। मित्र अंधे से कहता है, एक काम करो, एक लालटेन जला करके तुम्हारे हाथ में दे देता हूं। वो लालटेन दे देता हूं, इस लालटेन के सहारे तुम घर तक पहुंच जाना। अंधा बोलता है, मुझे तो दिखता नहीं। तो वो सामने वाला कहता है, भले तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस लालटेन के प्रकाश में तुम तो किसी को दिखाई दे जाओगे। और लालटेन के प्रकाश में तुम किसी को दिखाई दे जाओगे तो कम से कम वो तुमसे नहीं भिड़ेगा, टकराव नहीं होगा। तुम सहजता में जिस अंदाज से धीरे 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 चलते चलते यहां तक आए थे, उसी अंदाज में धीरे धीरे चलते चलते घर तक पहुंच जाओगे। अंधे को मित्र की बात समझ में आ गई। अंधे ने जलती हुई लालटेन हाथ में ली और रास्ते में निकला। रास्ते में चलता रहा, दो गलियां पार करी, तीसरी गली में सामने से आते हुए एक व्यक्ति से टकराव हो ही गया और अंधा लालटेन समेत गिर पड़ा। अंधा जैसे ही गिरा, वैसे ही, एक तो वो चूंकि पहले से ही अंधा था, अब गिर गया, तो गिरने के बाद जब दोनों आपस में टकरा गए, उसके बाद जिसको आंख थी उसने धीरे से अंधे को उठाया, अंधे की लालटेन, अंधे की डंडी अंधे के हाथ में पकड़ाई। अंधे ने उससे बोला, भैया मैं तो अंधा था, चलो ठीक है मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये लालटेन तुम्हारे लिए लेकर के चल रहा था और ये लालटेन के प्रकाश में कम तुमको तो दिखाई देता, उसके बाद भी तुम हमसे भिड़ गए, उसके बाद भी हमारा तुम्हारा टकराव हो गया। तो सामने के आंख वाला कहता है, बाबा तुम निश्चित
जब घर से चले होगे तो लालटेन जल रही होगी, लेकिन जब मैं तुमसे भिड़ा तब लालटेन तुम्हारी बुझी हुई थी। अब बुझी हुई लालटेन में टकराव तो संभव है। हम वैसे ही पंचम काल में मोक्ष से और मोक्ष मार्ग से अंधे हैं, नहीं पता सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, नहीं पता कि यथाख्या चारित्र क्या होता है, नहीं पता मोक्ष का सुख क्या होता है, नहीं पता तीर्थंकर कैसी करुणा करते हैं, नहीं पता कि तीर्थंकरों को निर्वाण होता है जितना कुछ सर्वज्ञ ने अपनी आंख से देख करके बसीहतों में लिख दिया है। ये ग्रंथ क्या है? सर्वज्ञ के आंखों की बसीहत है। जिनने अपनी आंख से देखा वो बसीहतों में लिख दिया, और बसीहत को नसीहत समझ करके हम उठाने लगे, लेकिन अनुभव से तो शून्य है, अंधे तो हैं, क्योंकि यथार्थ में कुछ देखा नहीं। फिर हमारे पास एक लालटेन है आगम की, मैं अंधा लेकिन मेरे हाथ में एक लालटेन जलती हुई, वो लालटेन में सामायिक का प्रकाश है, उस लालटेन में तीर्थ यात्रा का प्रकाश है, उस लालटेन में निर्वाण महोत्सव का प्रकाश है, उस लालटेन में दान है, उस लालटेन में प्रतिक्रमण है, पश्चाताप है, बाहरी तप है। ये छोटे छोटे दिए हैं, ये दिए अंधे होने के बाद भी जला के रखो। अगर तुमने दान का दिया बुझा दिया, अगर तुमने तीर्थ यात्रा का दिया बुझा दिया, अगर तुम्हारे हाथ से मंदिर जाने का दिया बुझ गया, अगर तुम्हारे पास से प्रभु पूजा का दिया बुझ गया, वैसे ही अंधे हैं, छोटे छोटे दिए थे, इन दियों की भी सही परिभाषाएं पता नहीं थी, और अंधेरे में दान की लालटेन लेकर के निकले, अंधेरे में तीर्थ यात्रा की लालटेन लेकर के निकले, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए। अगर ये यात्रा, ये दान, ये तीर्थ यात्रा, ये मंदिर निर्माण, ये प्रभु की पूजा, ये निर्वाण कल्याणक का मनाने का ये दिया अगर बुझ गया, आप मुझे बताओ क्या तुम किसी से नहीं टकराओगे? टकराएंगे। क्या कोई तुमसे नहीं टकराएगा? टकराएगा। उस वक्त तुमको कौन बचाएगा? आज साक्षात सीमंदर स्वामी नहीं है, आज साक्षात प्रभु आदिनाथ नहीं है, आज हमने जो भी सीखा है अपने गुरुओं से सुन करके देख करके, जो संवेदनशीलता थोड़ी बहुत हृदय में जिंदा है और कभी कभार जुगनू के जैसी चमचमाती है, वो संवेदनशीलता भी अगर ना चमचमाई तो फिर हमारा भिड़ाव होगा। हम भिड़ेंगे, हम भिड़ना चाहते नहीं, चूंकि हमारे हाथ में दान का दिया था वो बुझा दिया। आज जब आप लोग बोलियां ले रहे थे, मैं आप लोगों का प्रकाश देख रहा था, फिर मैं सोच रहा था, एक तो वैसे ही मोक्ष मार्ग में सब अंधे हैं और अंधों के हाथ में थोड़े बहुत अवसर आते हैं, बहुत थोड़े बहुत, कभी निर्वाण कल्याणक प्रभु का मना लिया, कभी कोई और विशेष अवसरों पर मंदिर पहुंच गए, प्रभु की पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर लिया। ये दीपक है तुम्हारी जिंदगी का। एक बार अपने आप से पूछो कि क्या इस प्रकाश में कुछ देख पाते हो? अगर ना भी देख पाओ तो ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ का दान हो सकता है किसी आंख वाले का आंख खोल दे। हम अंधे, हमको हमारे दान की कीमत नहीं पता, हमने बोल दिए 5 करोड़, और 5 करोड़ बोलने के बाद संकलेश भी कर रहे हैं। तुमको तुम्हारे दान की कीमत नहीं पता, तुमको तुम्हारी पूजा की कीमत नहीं पता, तुमको तुम्हारी साड़ी पहन करके मंदिर आकर के नृत्य करने की कीमत नहीं पता, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे मेहंदी लगे हाथों से जब एक सीपल चढ़ता हुआ कोई दूसरा व्यक्ति देखता है तो उसके मन के अंदर भी ये भाव पैदा होते हैं, हमारा घर कितना नरक हो गया, कम से कम इसकी महिला मंदिर तो आती है, हमारी तो मंदिर ही नहीं आती। तुमको नहीं पता कि तुम्हारे धर्म ध्यान करने से पता नहीं कौन से आंख वाले का दिया जल रहा है। इसलिए और जवाबदारियां बढ़ती हैं, साधु संतों की भी बढ़ती हैं,
श्रावकों की भी बढ़ती है कि अपने हाथ का एक दिया जला के रखो, तुमसे कुछ ना कुछ तो इस जीवन काल में आता होगा। किसी को सामायिक आती होगी, किसी को प्रतिक्रमण आता होगा, किसी को मंदिर में द्रव्य से पूजा करती आती होगी। हो सकता है वो भाव का पुजारी ना भी हो, सिर्फ द्रव्य का ही पुजारी हो, अंदर से संकलेश कर रहा है लेकिन बाहर से स्वाहा स्वाहा बोल रहा है। लेकिन तुमको पता है जब तुम इस तरीके से एक थाली से चावल उठा करके दूसरी चाली में चढ़ाते हो, तुमको कोई देखता है, दूर से देखता है, देख करके अपने अंदर तुम्हारी उस क्रिया से एक दिया जलाता है। तुम निमित्त बनते हो किसी को भगवान बनाने में, तुम्हारी क्रिया निमित्त बनती है किसी को आसमान तक पहुंचाने में। इसलिए जिन आयतनों में देवशास्त्र गुरु के पास कोई भी क्रिया करो, इतनी सजगता के साथ करो कि मेरी इस करती हुई क्रिया को देख करके अगर किसी का दिया जला तो कम से कम वो मुझसे नहीं टकराएगा। और अगर आपने दान का दिया बुझा दिया, सामायिक का दिया बुझा दिया, प्रतिक्रमण का दिया बुझा दिया, मंदिर आने का, मंदिर निर्माण का दिया तुम खुद बुझा रहे हो, अगर तुमने हाथ से बुझा दिया, बुझ गया तो फिर तुम्हारी ही जनरेशन पीछे आने वाली भिड़ेगी तुमसे, धीरे से बोलेगी जीवन में तुमने किया ही क्या है। क्योंकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को घर के अंदर मेडल तो दिखा पाएंगे लेकिन कुछ और नहीं दिखा पाएंगे। जब आने वाली जनरेशन को पता सकेगा कि तुम्हारे घर के अंदर ये माला तुम्हारे दादाजी फेरा करते थे, इनको उनके गुरु ने दी थी, फिर ये माँ साहब फेरती थी, उसके बाद पिताजी ने फेरी, फिर तुम्हारी माँ फेरती थी, आज ये माला वसीहत में मिली है, तब जाकर के एक दिया टांगना अपने घर के अंदर बहुत कुछ। छोटा सा संवाद गहरी चोट कर दे अगर दिमाग के अंदर, तो समझिएगा कि संवाद की सार्थकता है। टकराव घर के अंदर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सिर्फ इसीलिए टकराव होते हैं क्योंकि हमने अपने घर के अंदर, अंधे तो हम हैं ही, नहीं दिखाई देता हमको हमारे दान देने से किसका भला होने वाला, हमको नहीं दिखाई देता कि ये पूजा करने में जो इतना संकलेश हो रहा है, सुबह 6:15 बजे से 6:45 से बैठे हैं, 11-12 बजे तक बैठा करके वो बैठे रहेंगे, अंदर आकुलता होती है। लेकिन वो तुम्हारी आकुलता, तुम्हारे जीवन में आकुलता हो सकती है, हो सकता है तुम्हारी इस क्रिया से किसी और की आंख खुल जाए। इसलिए जब कभी भी मंदिर के उपकरणों का प्रयोग करिए, जब कभी भी माथे पर मुकुट पहनिए, शरीर पर धोती दुपट्टा डालिए, पीली साड़ी पहनिए, जब कभी किसी त्यौहार में अपने हाथों में चूड़ियां डालिए, मेहंदी लगाइए, बिंदी लगाइए, तो सोचना ये बिंदी, ये चेहरा, ये चूड़ी भी हो सकता है मंदिर जाने के बाद किसी को मंदिर लाने में निमित्त बनेगी। जब सार्थकता होती है इसी तरीके के धर्म ध्यान करने की, हम अधूरे हैं। हमने सिमंदर स्वामी जी के कोई भी उद्बोधन नहीं सुने, जीवन में सिर्फ गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने जो सिखाया, जो समझाया, जो बताया उसका प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद भी आचार्य महाराज हमेशा कहते थे इतना घोरतम तप तपते हैं, तीर्थ प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, सब करते हैं अपन, एक बार केवली मिलेंगे तो अपनी गलतियों का एहसास होगा। जब एक बार सामने साक्षात केवली मिलेंगे तब समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र किसको कहते हैं, मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं। सामायिक की परिभाषा ग्रंथों से सीख ली हमने, लेकिन हकीकत में सामायिक क्या होती है, जिस दिन तीर्थंकर परमेष्टि मिलेंगे और उनकी ध्यान मुद्रा देखेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसी करनी थी तो संसार का उच्छेद हो जाता, ऐसा दान देते तो संसार का उच्छेद हो जाता, ऐसा प्रतिक्रमण करते तो संसार का उच्छेद हो जाता, ऐसे जिनालय का निर्माण करते तो संसार का उच्छेद हो जाता, ऐसे व्रत ग्रहण करते तो हमारा संसार छूट जाता। आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो अपने हाथ में थोड़ा बहुत धर्म की लालटेन लेकर के चल रहा है, उसको अपने अंतर्मन से ये देखना होगी कि कहीं हमारी ये लालटेन बुझ ना जाए। थोड़ा बहुत भले प्रकाश आँख में दिखाई नहीं देता लेकिन लालटेन धीरे धीरे गर्म होती है तो ताप तो समझ में आता है,
वो अंधा लेकर के चल रहा था दूसरे को मार्ग दिखाने के लिए। रैन अंधेरी में एक अंधा पानी भरकर लाता था, दो मटके सिर ऊपर रखकर धीरे धीरे आता था, एक हाथ में लालटेन एक हाथ में दंड लिए देख रहे थे मार्ग में सब। अंधे का यह दृश्य खड़े बोला एक नव युवक, रे बंदे यह रचना क्या कीनी है, तुझे दिखाता नहीं मगर फिर लालटेन क्यों लीनी है, तुझे दिखाता नहीं मगर फिर लालटेन क्यों लीनी है। बोला अंधक अंधा वह, रे चंचल मन मस्ताना, मैं जानता हूं इस बात को कि मुझे आंख से दिखाई नहीं देता। फिर वो अंधा कहता है, रे चंचल मन मस्ताना, राह में चलते हुए ये लालटेन मुझे आफत से बचाती है। ये तुम्हारा दान, ये तुम्हारी पूजा, ये तुम्हारी श्रद्धा, ये तुम्हारी साड़ी पहन करके प्रभु की भक्ति करना, ये तुम्हें आफत से बचाती है। खुद आफत से बचता हूँ, दूसरों को भी आफत से बचाने में ये धार्मिक अनुष्ठान निमित्त है। बंधुओं, आज किसी पुण्यार्जक परिवार का धन लगा होगा तो ये पंडप बन गया, किसी पुण्यार्जक परिवार ने अपने द्रव्य का उपयोग करके नारियल दान कर दिए, किसी ने द्रव्य दान कर दी। इस थोड़े छोटे लालटेन से आज हम यहाँ पर एक कार्यक्रम देख रहे हैं। 700 मुनि राजों को उपसर्ग का निवारण का दिवस है आज, और वे उपसर्ग कैसे हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए, और आज भी संसार में जब कभी भी उपसर्ग होते हैं इसी कारण से होते हैं। जब महाराज श्री वर्मा साथ ही साथ श्रीमती रानी 700 मुनि राजों के दर्शन करके लौट रही थी और एक भी साधु ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, कई बार मौन ही संबंधों की सुंदरता में निमित्त बनता है। हर बार बोलना सुंदरता में निमित्त बनता है ऐसा नहीं। आचार्य अकंपनाचार्य महाराज ने अपने शिष्यों से कहा था, आज अपने जीवन का सौंदर्य मौन से है, मौन रहिएगा। वो मौन में किसी ने ना आशीर्वाद दिया, ना देखा, ना कुछ बोला। वे राजा और रानी अभिभूत थे इस बात से कि इतने परिग्रही और निष्प्रह साधु संत हैं कि राजा नमोस्तु कर रहा है लेकिन आंख उठा करके देखा तक नहीं। लेकिन चार ऐसी कुटिलताएं हैं जीवन की, बलि है, नमुची है, बृहस्पति है, प्रहलाद है, चार मंत्री थे। विचार के चार मंत्री ने लौटते हुए अपने अभिमान के कारण अकंपनाचार और 700 मुनि राजों को ढोंगी, नंगा और निरा मूर्ख कह दिया। अभिमान के कारण मान जब उदय में आता है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार ही तो मंत्री हैं तुमको संसार में रखने वाले, कोई पांचवा मंत्री नहीं है जीवन का। तुमको इन चार से ही प्रेरणा मिलती है जीवन में जिंदा रहने की, सोने की, खाने की, पीने की, इन चार से ही प्रेरणा मिलती है। जैसे उस राजा श्री वर्मा और रानी श्रीमती के चार मंत्री थे, गुरुदेव कहते थे हमारे आपके भी चार ही मंत्री हैं। कभी हम क्रोध से प्रभावित होते हैं, कभी हम लोभ से प्रभावित होते हैं, कभी हमको मान प्रभावित करता है, कभी मायाचारी प्रभावित करती है, तभी संसार में रह पाते हैं। उसमें से बलि ने एक बात छेड़ दी लौटते वक्त, इतना ही कहा था कि ये सब निरामूर्ख हैं। श्रीमती ने कहा ऐसा नहीं कहते, साधु हैं, हो सकता है उनका कोई नियोग हो, वो विशेष प्रकार की साधना कर रहे हो। बलि ने फिर कहा कि अरे एक आध दो साधना कर रहे होते, सबके साथ एक जैसी साधना कर रहे हैं, सबके साथ मौन, आंख बंद करके, सिर्फ बाल घुटा लेने से, कपड़े उतार देने से कोई साधु होता है क्या? ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए तो आशीर्वाद में स्वस्ति भवतु तक नहीं कहा। श्रीमती ने फिर भी टोका बलि को, मंत्री जी आप ऐसा नहीं कहें। मंत्री के मन के अंदर ये बात बार बार उफल रही थी। मंत्री सोच रहा था कि कैसे अपने धर्म की सार्थकता सिद्ध करूं। इतने में बलि मंत्री के साथ तीन मंत्री और थे, प्रहलाद, नमुची और शुक्र, उनने भी सामने से आते हुए एक मुनिराज देखे। वे मुनिराज अच्छे गौर वर्णी और पेट बिल्कुल चिपका हुआ, लेकिन वक्षस्थल बिल्कुल सिंह के जैसा, अच्छा चौड़ा,
चौड़ा वक्षस्थल के साथ अपनी गंभीर पदचाप को धीरे धीरे रखते हुए वे मुनिराज आ रहे थे। इतने में उस बलि मंत्री ने राजा श्री वर्मा और रानी श्रीमती से कह दिया, देखो सामने से बैल चला आ रहा है। ऐसे शब्द दूर तक कानों में, उन मुनिराज के कानों में भी चले गए। महाराज भाग गए, कुछ स्थिति तो विचित्र है। पास में आए तो आकर के मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने पर राजा श्री वर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो कोई साधु मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, ये साधु ने मुस्कुराया। तो वापस नमोस्तु किया, वापस प्रणाम किया, वापस स्वर्ग चढ़ाया वहीं पे महाराज श्री वर्मा और श्रीमती ने। और अर्घ चढ़ाने के साथ ही जब नमोस्तु करके खड़े हुए तो कल्याणमस्तु भव, ऐसा आशीर्वाद जब गुरु महाराज के मुख से सुना। वे भी ऐसे गजब के साधु थे, नाम था उनका श्रुत सागर, जो वास्तव में श्रुत केवली से कुछ निकलेगा तो श्रुत का सागर ही निकलेगा। बंधुओं, नाम था उन गुरु महाराज का श्रुत सागर, और आवाज तो सुन ही ली थी कि मंत्री कह रहा है कि सामने से देखो हट्टा खट्टा मोटा बैल चला आ रहा है। और पास में आकर के पहले तो राजा को आशीर्वाद दिया, फिर मंत्री की तरफ देख करके मुस्कुरा करके महाराज कह दिए, कथंचित स्यात। एक शब्द सुना, स्यात। स्यात शब्द की परिभाषा अभी तक चारों मंत्रियों में से किसी को पता नहीं चली। तो राजा श्री वर्मा ने पूछा कि ये स्यात का मतलब क्या होता है महाराज, क्योंकि जब संवाद होता है तो रास्ते खुलते हैं। निश्चित स्यात शब्द सुनने के साथ ही राजा श्री वर्मा के मन के अंदर वो भावना हुई कि पूछूं ये स्यात का मतलब क्या होता है। आप तो जैन कुल के उत्पन्न हैं, आप लोगों को तो स्यात का मतलब पता होगा। नहीं पता है तो फिर वो बात याद रखिएगा कि अगर ये स्यात का दिया भी जलाया होता तो कभी किसी से भिड़े नहीं होते। लालटेन में जैसे दान का दिया जला चुके हों, ऐसे लालटेन में एक स्याद का दिया भी जलाओ, सब अंधे हैं इस दुनिया में, थोड़ी बहुत जो रोशनी मिली है उस रोशनी से अपना कल्याण करने की कोशिश करो। गंभीरता के साथ धर्म की कीमत समझो, अग्नि पर्याय में नहीं मिलेगा, हम चाहेंगे ना नहीं मिलेगा। लोगों ने कैसे कैसे भगवान बनाए हैं, उसमें तुम्हारा भगवान बिल्कुल निराला है। किसी का भगवान बकरा मांगता है, किसी का भगवान मुर्गी मांगता है, किसी का भगवान शराब मांगता है। तुम्हारा भगवान तुमसे कुछ नहीं मांगता और तुमको वापस उल्टा देता है। ऐसी कोई भी कुलों में जन्म नहीं हुआ। सोचो तुम्हारा भगवान अगर बकरा मांग रहा होता तो तुम क्या करते, तुम्हारा भगवान मुर्गी मांग रहा होता अष्टमी चतुर्दशी को तो तुम क्या करते, तुम्हारा भगवान रोज शुक्रवार को शराब मांग रहा होता तो तुम क्या करते। आज तुम्हारे भगवान ऐसी सर्वज्ञ शासन की ऐसी पवित्रतम देशना है, सुबह आओ प्रासुक छाने पानी छान करके गर्म करके एक कलश चांदी का भर करके बस सिर पर चढ़ाना मात्र है, इतने में तुमको मोक्ष मिलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है ये धर्म दोबारा मिलेगा इसी तरीके की क्रियाओं से? क्या लगता है कि दोबारा जैन कुल फिर अगली पर्याय में फिर प्राप्त कर लेंगे? घर की लोई रही है कि दो तीन बार थिगड़े लगा करके तोड़ दी और बाद में समेट दी और फिर बेल दी, ये घर की लोई नहीं है, ये कर्म की लोई है। एक बार फटती है ना तो कई पर्याय निकल जाती हैं वापिस जिनेन भगवान की कुल में आने के लिए। पता नहीं कौन सा मौका मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं जानते हम। आज एक अवसर सबके सामने था। महाराज श्री वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान ये स्यात का मतलब क्या होता है? तब वो शुद्ध सागर मुनिराज बोल बैठे, मैं जब दूर से आ रहा था आपके इन मंत्री महोदय ने जो कहा कि सामने से एक मोटा बैल चला आ रहा है, तो उसमें एक स्यात शब्द मैंने लगा दिया।
सियात का मतलब हो सकता है किसी पर्याय में मैं बैल रहा हूँ और आज इनको मेरी वो पर्याय दिख रही है, इसलिए उस पर्याय को देख करके इन्होंने कह दिया कि सामने से बैल चला आ रहा है। मैं इनको देखने के लिए आश्चर्यचकित हुआ कि इनको मेरी पूर्व की पर्याय कैसे दिख गई। जैसे ही बात उन चार ब्राह्मणों के कान में गई, ब्राह्मणों ने तरह तरह के संवाद किए और संवाद करते 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 धीरे धीरे पता चला कि संवाद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य है गुरु महाराज के पास। गुरु कैसे होते हैं, कैसे होते हैं गुरु? प्राग्रह प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परह प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। जब कोई साधु बोलता है तो वो पहले तो प्रश्न को सुनने की सामर्थ्य रखता है। प्रायः प्रश्न सह, तुमने कुछ कहा तो कहने पर प्रश्न सुनने तक का भी कई बार धैर्य नहीं होता, लेकिन साधुओं के पास होता है, तुम कह लो फिर हम कहते हैं। प्रभु होते हैं, बड़े होते हैं, पर मनोहारी होते हैं, उनकी आधारिक शरीर भी ऐसी होती है कि जिनको देख करके लोगों को लगता है सब कुछ तो है, दीक्षा क्यों ले ली। अगर किसी साधु को देख करके ऐसे प्रश्न क्वेश्चन मार्क खड़ा हो मन के अंदर, सब कुछ तो है इनके पास, अच्छा टैलेंट है, अच्छी लाइफस्टाइल है, काहे को दीक्षा ले ली, उसी को कहते हैं पर मनोहारी परानिंदया। उद्बोधनों में किसी की निंदा नहीं करते, उपदेश जैसे वक्त निंदक वचन नहीं बोलते। ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि, गणी है गुण निधि है प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, ऐसे साफ सुथरे शब्द बोलते हैं। हलंत विसर्ग अनुस्वार का भी स्पष्ट उच्चारण आपको सुनाई देता है। उन्हीं को उपदेश आदेश करने के लिए आदेशित आगम में किया। शिव सागर मुनिराज ने बहुत मृदु शब्दों में सुधारने के लिए, व्यक्ति को नहीं धारणा को सुधारने के लिए उपदेश दिए। वो संवाद श्री वर्मा सुन रहे थे और अंत में महाराज श्री वर्मा को लगा कि इन संवाद को उसका हल तो एक ही निकला है कि महाराज सही हैं और इन मंत्रियों के पास अभी ज्ञान की कमी है। तो महाराज श्री वर्मा ने और श्रीमती ने अपने मंत्रियों को देख करके एक कुटिल मुस्कान छोड़ी, ऐसा कहा और चलते बने। इतना अपमान वो चार मंत्री बर्दाश्त नहीं कर सके। महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं, महाराज एक शब्द नहीं बोले, महाराज ने सिर्फ समझाया। लेकिन अपने ही राजा की आंखों में जब आदमी नीचा हो गया तो वो टीस जो होती है ना, अपनों की टीस ना जीने देती है ना मरने देती है। पड़ोसी कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कभी देखिएगा जब छोटे छोटे बच्चों को रोड में घूमते हैं, कोई झगड़ा होता है तो अपने घर भागते हैं, कोई बुरा कहता है तो रोते हैं, अपने घर के अंदर लौट जाते हैं, भागते हैं, मम्मी पापा करते हैं। लेकिन जब माता पिता गलत कहते हैं तो बच्चे एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि बाहर झगड़ा होता तो यहाँ आ गया था, अब यहीं पे ऐसा सुनने मिल रहा है तो हम कहाँ चले जाएं। वो चारों के चारों मंत्री जब महाराज ने कुटिल मुस्कान के साथ उनको सिर्फ एक हास्य में थोड़ा सा निंदित कर दिया, सहन नहीं हुई। अपमान अपनों का सहन नहीं होता बंधु। किसी और का विदेश में चले जाओ, थाईलैंड में कोई एक थप्पड़ मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी बोलेगी अरे चलो छोड़ो हो गया, उतनी देर में मुस्कुरा दोगे। और तुम्हारे मोहल्ले में कोई अगर तुमको बेबी बोल दे तो, कायजन साहब हमने सुनी कछु होगा है, जितनी बार जो पूछेगा उतनी बार नीचा देखना पड़ता है। परदेश में मान अपमान की चिंता नहीं होती, अपने घर में अपने देश में होती है। मंत्री को इतना बुरा लगा कि मंत्री घर जाने के बाद भी पूरी रात न सो पाया न जग पाया। रात में ही चारों के चारों मंत्रियों ने पुनः संयोजना बनाई कि जिसने अपना अपमान किया है
उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बलि ने तलवार उठा ली, कितनी अंदर से क्रूरता होगी, एक दिगंबर साधु को तलवार से मारने का विचार मन के अंदर आ गया, जबकि साधु महाराज ने तो बहुत धीमे शब्दों में बात समझाई थी, भैया स्यात इसको कहते हैं, आगम ये होता है, अनेकांत ये होते हैं, तत्व का दर्शन ये होता है, बहस करते रहे, साधु समझाते रहे, अपने ही घर की टीस साधु के ऊपर उतारना, ये कहां का न्याय था? राजा आपके, राज्य आपका, राजमहल आपका, आपके राजा ने आपको बुरा कहा और आपने तलवार साधु के सिर पे उतार दी, आपके घर में फूट पड़ी थी, आपके घर के अंदर झगड़े चल रहे थे और तलवार तुमने साधु के सिर पे उतार दी, हम नहीं छोड़ेंगे। साधु बेचारा क्या सोच के वहां से आए थे, वे श्रुतसागर मुनिराज अकंपनाचार्य महाराज के पास संवाद के बाद पहुंचे, अकंपनाचार्य महाराज से कहा कि महाराज रास्ते में राजा और मंत्री मिले थे, जैसे ही ये राजा और मंत्री शब्द ही सुना, अकंपनाचार्य आचार्य महाराज 20 हाथ की काया 30 फुट करीब उनकी लंबाई अवगाहना थी, चुपचाप बैठे थे और बैठते हुए ऐसे देखे, तुमने उनके साथ संवाद किया? हाँ महाराज। आपको ज्ञात नहीं था क्या कि मैंने मौत के संकेत दिए थे? नहीं महाराज, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपने मौन का संकेत दिया, अगर मुझे ज्ञात होता तो मैं संवाद ही क्यों करता। अकंपनाचार्य महाराज चिंतित हो गए, क्षत्रिय, उसके बाद अपने से ज्यादा अपने कुल की चिंता हो गई, 700 साधुओं को क्या होगा, अवधि ज्ञान है, दिखाई देता है, निमित्त ज्ञानी है, समझ में आता है साधुओं को, गुरुओं को, बड़े साफ सुथरे संदेश में कहा, इसके कारण संघ विप्लव में आ जाएगा, आपका जहां संवाद हुआ था उसी स्थान पर आप खड़गासन में खड़े होकर के रात्रि में प्रतिमा योग धारण करिए, कल दोपहर का सूर्य जब सिर पर चढ़ जाए उसके बाद संघ में प्रवेश करिएगा। शुसागर मुनिराज को इस तरीके का आदेश उपदेश देकर के जैसे ही अकंपनाचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ अकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने इशारों में एक बात कह दी, बस ऐसे हाथ मुट्ठी हिलाई, शुसागर मुनिराज समझ गए निश्चित गुरुदेव के दिव्य ज्ञान में वो बात झलकी है और गुरुदेव कह रहे हैं कि धैर्य रखना, शांति के साथ रात्रि योग स्थापन करना, सूर्यास्त होने से पहले उसी स्थान पर जहां पर संवाद हुआ था उसी स्थान पर आवर्त करके कायोत्सर्ग करके और मुनिराज ध्यान लगा करके खड़े हो गए। रात धीरे 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 बढ़ती रही, बियाबान जंगल था बंधुओं, और क्योंकि उपवन था, उपवन में बहुत बड़ा उपवन था, उसमें सियार शेर चीता भी आते जाते रहते थे, लेकिन साधना का प्रभाव था कि कभी कोई जानवर किसी भी साधु को परेशान नहीं करता था, ये प्रकृति का नियम है, जब तक आप किसी पशु को नहीं छेड़ते पशु आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। साधु महाराज खड़े हुए, रात धीरे धीरे बढ़ रही थी और बढ़ती हुई रात में कायोत्सर्ग के तेज से शुसागर मुनिराज की देह चमचमाने लगी, हल्का हल्का मध्यम सा प्रकाश देह से छूटने लगा। आपने कभी अपनी देह का प्रकाश देखा है? देखा है? नहीं देखा होगा महाराज श्री, आपने नहीं देखा होगा, घनघोर कमरे में जब कोई दिगंबर साधु सोता है बैठा रहता है, आप दूर से स्थितियां घनघोर कमरे में भी भांप लेते हैं, महाराज जी का शरीर तो यही दिखाई दे रहा है, और आप पहुंच जाते हैं वहां तक। आज प्रकाश की मध्यमता बहुत थोड़ी है, लेकिन मल्लीनाथ भगवान जी के शासन काल में जैसे जब बहुत ज्यादा अच्छा कुछ लगा लेते हैं तो चेहरा चमचमाता है ना, टपकता है यहां से नूर, ऐसे ही वो नूर टपक रहा था पूरे के पूरे औदारिक देह से। बलि तलवार निकाल करके और बाहर निकला, साधु को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके कारण राजा की आंखों के सामने मेरा अपमान हो गया। कितना हिंसा का जो भाव है, वो हिंसा इसलिए नहीं होती कि किसी को हम मारना चाहते हैं, हिंसा का सहारा लेकर के आदमी जीना चाहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर के मनुष्य जीना चाहता है। तुमको मार देंगे, तुमको मार देने के बाद हमें संतोष मिलेगा तो मेरे प्राण में प्राण बचेंगे। भोजन से कम जीते हैं, मान और अपमान से संसार में जीव जाजा जीते हैं। भोजन से नहीं भी मिले तो चलता है, लेकिन अगर मान लो घर के अंदर अपमान मिल जाए तो पूरा भरपेट माँ अच्छे से भोजन कराए, और कराने के बाद माँ धीरे से अंतिम जब गिलास का दो घूंट पानी पी रहे हो, उस समय पिता या माँ कह दें तुम्हारे जैसो लड़का पाकर के हमारी जिंदगी नरक हो गई। सोचो कभी, पूरा भोजन अच्छे से, खीर चाहिए ये ले लो, गोठा ये ले लो, तिलक ये ले लो, एक रुमाल भी ले लो, आरती भी उतार देते हैं, फिर बाद में माँ कहती है तुम्हारा जैसा मोड़ा हमें न मिलते तो ही अच्छो। तो उसी वक्त क्या होता है, कूद जाए तीन मंजिल से नीचे। क्यों? क्योंकि सब है घर के अंदर, मान नाम की चीज नहीं है। हिंसा करके इंसान जीना जाता है, लेकिन आचार कहते हैं सबसे अव्यवस्थित और अंधकार पूर्ण तरीका है हिंसा करके अपने जीवन को जीना। उस बलि ने तलवार उठाई, बलि जाने को उद्यत हुआ तो प्रहलाद, जिसको बृहस्पति भी कहते थे, प्रहलाद ने कहा कि कहां जा रहे हो, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे राजा के सामने नीचा दिखाया है। और ये सोच करके वो आगे बढ़ा तो प्रहलाद ने बलि का साथ देते हुए कहा अकेले क्यों जाते हो, सबको लेके चलो, अगर पाप पड़ेगा तो कम से कम हम चारों फिर नरक में मिलेंगे। ये प्रहलाद ने धीरे से बलि से कहा, और बलि को प्रहलाद की बात समझ में आ गई। आज भी होता है ना, ये राखी है, रक्षाबंधन का दिन है, कितनी अच्छी टीका चंदन लगा लो, अभी शाम को 7, 7:30, 8 बजे राखी के त्यौहार मनाने के बाद किसी एक के घर में पार्टी हो रही होगी, उस पार्टी में चार ऐसे मिलेंगे, चलो जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है, रात भर क्या कटपत्ती कट रही है, सर क्या, उस सर के बाद राखी का मजा रात में हाथ में धागा बंधवाने में थोड़ी आता है, राखी का मजा तो सुबह 4 बजे आता है, जब 4-6 मित्र राखी के दिन में, दीपावली के दिन में, किसी भी त्यौहार के दिन में पूरी रात पत्तों में गुजार देते हैं। बलि, नमुची, बृहस्पति जैसे तुम्हारे भी मित्र हैं, वो तुमको खींचते हैं, चलो नरक में कम से कम चार रहेंगे तो वहां भी महफिल जमी रहेगी, ऐसे भी बताने वाले लोग हैं। ये रक्षाबंधन के दिन इतना सहज नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनने अभी से जुगाड़ कर लिया है, भाई भाई कुछ है, चिंता काय कर रहे, शाम तो होन दो फिर हम बताएंगे। फिर शाम को धीरे से इशारा होता है, काय गुरु, जैसे ही बोला काय गुरु वैसे ही सामने वाले ने कहा, हम सागर में थे, सागर का डायलॉग है, जरा जरा सी बात में सागर के हर मोहल्ले में चलता है, काय गुरु, हमने कहा ये अच्छा है, हम तो समझते थे हम ही गुरु हैं। अजीब अजीब तरीके के गुरु हैं संसार में। उनने कहा काय गुरु, उनने बोले चल रहे 2 मिनट रुको। उस वक्त जैसे बिल्कुल भगवान का अभिषेक छूट जाएगा, इतनी आकुलता के साथ आदमी तुरंत चप्पल पहनता है, शर्ट धीरे धीरे पहनते पहनते बदल लेता है, वहीं से खोलता है, अंदर जाते जाते पूरी शर्ट खुल जाती है, नई शर्ट डालता है, एक पर्स उठाता है, अपना वैलेट लेता है, गाड़ी में बैठता, बोले चलो कहाँ जा रहे बता के, तो जाओ आ रहे ना 10 मिनट में, चिंता काय कर रहे, 9:15 तो बजे ही गए, उठा लइयो दुकान। कहाँ चले काय गुरु, कहाँ चले, वहीं जहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलि, नमुची, बृहस्पति ऐसे तुम्हारे पास भी ऐसे ही मित्र हैं। एक ये जो सामने साधु बैठा है ना, इसको भी कल्याण मित्र कहते हैं, वो उपदेश देता है। कभी सोच रहा एक साधु क्यों तुमको समझाता है, उसका निजी कोई स्वार्थ है क्या? कोई स्वार्थ नहीं है, क्या दोगे और हम तुमसे क्या ले लेंगे। मूला इसमें लिखा है मूक माटी में, एक असंयमी एक संयमी को क्या देगा, और एक संयमी एक असंयमी से क्या लेगा, क्या दोगे तुम मुझे,
लेकिन उसके बाद भी देशना देते हैं हम, एक घंटा सवा घंटा दिन में भी, शाम को 7-7:30 बजे तक संवाद चलते रहते हैं। वो चारों के चारों मंत्री एक साथ तलवार लेकर के पहुंचे और सोच के निकले थे कि अगर वो साधु सबके सब सामायिक में बैठे होंगे तो इस उपवन में, वो उपवन कहीं और नहीं था, यही बगल में उज्जैन, इंदौर से लगी हुई उज्जैन नगरी की घटना है बंधुओं। उसी उज्जैन के उपवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज बैठे थे और बैठे बैठे उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग ना हो जाए, अकंपनाचार महाराज ने सुसागर से कहा, महाराज जहां आप खड़े होकर के संवाद किया है रात्रि योग वहीं धारण करिएगा, संघ की अनुकूलता बनी रहेगी। जो आज्ञा कहकर के सुसागर वहां पहुंचे, वे चारों मंत्री रात में उसी मार्ग से वापस लौटे और धीरे से देखा कि जिस साधु ने हमारा अपमान किया था वो साधु तो रास्ते में ही खड़ा मिल गया। एक साथ एक दूसरे को दोनों ने देखा, दोनों ने दोनों को और देखा तो चार हुए और चारों तरफ से खड़े होकर के पहले विचार कर रहे थे इस साधु को घात कैसे किया जाए, पेट में तलवार डाल के कि सीधा ऊपर से नीचे करके। फिर वहां पर भी उस बृहस्पति ने कहा समभाग, समभाग मतलब महाराज ऐसे खड़े हैं, दो कंधे में चला दो, दो सिर से चला दो, महाराज के चार समभाग हो जाएंगे। क्यों? बृहस्पति बड़ा समझदार था, बोले कुछ भी पुण्य करो या पाप इतना बराबर का करो कि किसी को कम ज्यादा ना हो। तो उसने संभाग की बात कहकर के चारों ने चारों दिशाओं से खड़े होकर के तलवार उठाई और रक्षक देवों ने, जो वन के रक्षक देव थे, उन वन के रक्षक देवों ने उनको वहीं कीलित कर दिया, क्योंकि महाराज सुसागर हैं। साधु की रक्षा, देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस धम्मे सयामणो, जिसके मन में दया है क्षमा है देवता भी उसकी रक्षा करते हैं, जैसे मेरी रक्षा पूरा इंदौर मिलकर के कर रहा है। इस इंदौर ने पिछले एक माह में जिस तरीके का समर्पण मुझे दिखाया है और मेरे सामने किया है, जीवन भर मैं याद रखूंगा, ऐसा कल्पना से आगे चल करके एक समर्पण की धारा खींची है इंदौर वालों ने। एक एक उद्बोधन पर, एक एक व्यक्ति प्रतिदिन जिस तरीके से गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन की संचित राशि और द्रव्य का समर्पण कर रहा है, अभिभूत हूँ। दीपावली के दिन बताऊंगा कि इंदौर ने चार महीने में क्या कमाल किया। अभी तो सिर्फ एक महीने की शुरुआत में विश्व को आश्चर्यचकित कर दे ऐसी घोषणाएँ इंदौर की समाज निरंतर करती चली जा रही है, उसमें आप अपनी हिस्सेदारी जरूर देखिएगा। कीलित कर दिया मंत्री को, चार के चार मंत्री कीलित, और धीरे से पूरी रात गुजर गई। सुबह जब लोगों ने दृश्य देखा कि चार मंत्री बीच में साधु परमेष्ठी खड़े, चारों के हाथ में नंगी तलवार, ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे, तो पूरे के पूरे उज्जैनी के लोगों ने चारों मंत्रियों की घोर निंदा करी। अपमान किसी को सहन नहीं होता। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो जो देवता थे, उन देवताओं ने भी उन चार के चार मंत्रियों को बाहर से तो कीलित कर पाए, लेकिन अंदर से, मन से देवता भी उन चार मंत्रियों को कीलित नहीं कर पाए। शरीर से कीलित होना अलग बात और मन का कील ठोंक देना एक बिल्कुल अलग बात। जब पूरा नगर इकट्ठा हो गया, राजा श्री वर्मा और श्रीमती भी वहां पर आकर के अपने चारों मंत्रियों का वह कृत्य देख रहे थे, तब श्री वर्मा ने देवताओं से, वन रक्षकों से क्षमा याचना करी और बार बार निवेदन किया कि आप इन्हें छोड़ें, हम इन्हें यथोचित दंड देंगे। और उस दंड को जब ये बात वन देवताओं ने सुनी, तब जाकर के उनके हाथ पैर ढीले हुए। उस वक्त महाराज श्री वर्मा बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने चारों के चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। ऐसे नहीं दे दिया, अपमान करके, गधे पर बैठा के, मुंह काला करके, माला पहना के, पूरे नगर में भ्रमण करा के, उनके वस्त्र का छिन्न भिन्न करके, संपत्ति लेकर के
और चारों के चारों मंत्रियों को उज्जैनी से भगाया, तो उज्जैनी से घूमते घामते घामते वे चारों के चारों मंत्री कुरुजांगल देश, जिसको आप हस्तिनापुर यूपी का आसपास का जो एरिया है वो कुरुजांगल देश कहलाता है, वहाँ की पीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, आलू ज़्यादा होते हैं लेकिन गेहूँ नहीं होता, हर मिट्टी में हर चीज़ें पैदा नहीं होती। ऐसे ही इस संसार में जैन बहुत हैं, जिनालय बहुत हैं, जिन मंदिर बहुत हैं, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हर मिट्टी में धर्म पैदा नहीं होता, हर मिट्टी में आस्था पैदा नहीं होती। यहाँ की मिट्टी बुंदेलखंड की गुरुदेव ने ऐसी परखी थी कि कहा कि एक बार परखी लगा करके देख लिया है, इस मिट्टी से मिट्टी कम और हीरे ज़्यादा निकलते हैं। ये कहकर के गुरुदेव ने 55 साल तक साधना की कर्मस्थली को ये बुंदेलखंड बनाया। वे चार के चार मंत्री कुरुजांगल देश में धीरे धीरे पहुंच गए। आगे क्या हुआ इस संवाद को हम कल पुनः जारी रखेंगे, समय अपनी सीमाओं में चलता है। मैंने ये इसका एक एपिसोड तो मैं एक दिन पहले बोल चुका हूँ, आज दूसरा है, कल हो सकता है तीसरा हो, परसों हो सकता है चौथा हो, लेकिन आप रक्षाबंधन की कथानक को एक बार पूरा मनोयोग से जरूर सुनिएगा। और जाने से पहले ये संदेश भी लेकर के जाइएगा कि अंधों के हाथ में एक छोटी सी लालटेन है दान की, आपके हाथ में तप की लालटेन तो है नहीं, आपके हाथ में सामायिक और प्रतिक्रमण की लालटेन तो है नहीं, तुम्हारे हाथ में दान की छोटी सी लालटेन है। ये लालटेन भी अगर तुम्हारे हाथ से बुझ गई तो कितने लोग तुमसे जीवन में टकराएंगे और कितना तुम्हारा घात होगा, इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। आज ये रक्षाबंधन का दिवस है, आज से ठीक 19 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, आज से ठीक 19 दिन के बाद पर्युषण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। अभी तो महाराज 19 दिन है, हाँ 19 दिन है, किसी भी चीज की पूर्व भूमिका होती है। बच्ची को ब्याह कर दो तो जो दिन ब्याह होते हैं वही दिन कपड़ा खरीद भी तो नहीं जाते, पहले से कपड़े खरीद लेते हो, पहले से गोल्ड खरीद लेते हो, पहले से दुनिया भर की संपत्ति और इकट्ठी करने लगते हो, कार्ड छाप देते हो, सब करने लगते हो ना। ठीक ऐसे ही 19 दिन पहले से पर्युषण पर्व प्रारंभ करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा महाराज, जिनको अपने जीवन में पर्युषण पर्व की कीमत समझनी है, आज तक आपने ना पर्युषण ऐसा देखा होगा ना सुना होगा, ना ऐसे पर्युषण पर्व मनाए होंगे। मैं हमेशा कहता हूं इंदौर वालों से, एक बार आया हूं एक बार दूंगा, लेकिन ऐसा दूंगा कि जीवन भर याद रहेगा कि पर्युषण तो इसको कहते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन शिवरात्रियों के आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं 3100 रुपए की राशि के साथ। अगर आपने जीवन में कभी पर्युषण का सही परिभाषा नहीं समझी है, जिया नहीं है, देखा नहीं है, तो एक बार 10 दिन का पर्युषण 25 अगस्त से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पता चलेगा कि 10 दिन हमारे कैसे निकले। उस 10 दिनों की भूमिका 19 दिन पहले से, आज से शुरुआत है। जिन लोगों को जैन शासन के पर्युषण पर्व मनाने हैं, पर्वाधिराज पर्व की कीमत जानते हैं, समझते हैं, उनको आज से छोटा सा नियम लेना पड़ेगा। आज से क्या नियम लेना पड़ेगा, आज से छोटा सा नियम लेना पड़ेगा कि आज से हम दिन में 2 बार भोजन करेंगे। महाराज अभी से, हाँ अभी से तैयारी तो करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती। अचानक मान लो धासन चौथ तुमने मना ली है, धासन चौथ के बाद हमने तुमसे पंचमी के दिन कहा भैया नीरस मिलेगा और एक आसन करना है, ए भाई हमसे नहीं हो जे पर्युषण, काहे एक ही टाइम खाने आए उनमें भी नीरस, हमसे ना हुई है, तो पहले से भागता है आदमी, पहले से 20 दिन पहले से कंट्रोल करो कि सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, बीच का गुटखा नहीं खाएंगे, दिन में 2 बार खाएंगे। अगर तुम दिन में 2 बार खाने का नियम 20 दिन पहले ले लोगे तो जिस दिन पर्युषण आएगा उस दिन तुम आराम से एक आसन कर पाओगे। 2 नियम अपने जीवन में संवारिए। पर्युषण पर्व के 20 दिन पहले से साधना करनी होगी कि हम पहले तो दिन में 2 बार खाने का नियम लेंगे।
आप चाहें तो दिन में 3 बार खाने का नियम ले लीजिए कि हम दिन में सिर्फ 3 बार मुंह जूठा करेंगे, क्योंकि 20 दिन बाद पर्युषण पर्व आ रहा है, उसकी साधना करनी है। और दूसरा एक छोटा सा नियम ले लीजिए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। ये भी पर्युषण पर्व में सहकारी है क्या? हाँ महाराज जी, ये भी आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी बात। आपको नियम लेना है कि पति और पत्नी 20 दिन पहले से प्रतिदिन साथ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे। पंचमी के दिन इन दो नियमों की पहली कीमत जब बताऊंगा, आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि छोटे से नियम से जीवन में इतना बड़ा बदलाव होता है। अभी तो पत्नी को जब अनुकूलता मिलती है वो मंदिर चली जाती है, पति को जब अनुकूलता मिलती है वो मंदिर चला जाता है। लेकिन 20 दिन पहले से नियम लो, 1 महीने का परीक्षण मनाओ, थोड़ा थोड़ा रोज एक एक नियम बताता जाऊंगा, सुधार करते जाएंगे। आप सोचिए वो हरिदीवाल वालों के यहाँ जब 1 महीने के उनके आते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं पता? दिन भर मुंह में चबाने वाले लोग थूक तक नहीं गुटकते। तुम तो गलत फीका पड़ जाएगा तो थूक गुटक गुटक करके अपना गलत तर कर लोगे, वो थूक भी नहीं गुटकते। हम 2 नियम पाले। पहला नियम कि दिन में 2 बार भोजन करेंगे, और दूसरा नियम पति और पत्नी दोनों लोग मिलकर के मंदिर जाएंगे। इसकी कीमत मैं पंचमी के दिन एक एक करके बताऊंगा। शुरुआत हो गई है, अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो मेरे शिवरार्थी तो आप आज से ही बन गए। और दोनों बातें हैं, आप चाहे वर्चुअल, आप ऑनलाइन स्क्रीन पर धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो, और सामने आकर के यहाँ पे पास में रह करके धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो, ये नियम धीरे धीरे दुनिया में सर्कुलेट करिएगा कि 20 दिन पहले से पति पत्नी दोनों को, पति को दूसरों के साथ नहीं अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाना है, और दोनों लोगों को दिन में 2 बार या 3 बार आपको जैसा अनुकूल हो, आप 3 बार का नियम ले लीजिए या 2 बार का नियम ले लीजिए। अगर आप 3 बार का नियम लेंगे तो हम आपको यहाँ पर 2 बार की व्यवस्था देंगे, आप 2 बार का नियम लेंगे तो हम आपको 1 बार की व्यवस्था देंगे, और महाराज जी 1 बार का लेंगे तो हम देंगे ही नहीं, नहीं फिर हम आपको ऐसी प्रभावना देंगे कि पूरा विश्व आपका चेहरा देखेगा। तैयारियां करिएगा, अभी शब्दों को विराम देता हूँ। और अकंपनाचार महाराज और ये रक्षाबंधन, आज ये द्वितीय दिवस निकला है रक्षाबंधन के कथानक का। कल हम पुनः ठीक 8:30 बजे गुरु महाराज जी का पूजन करेंगे, और पूजन के पश्चात 9 बजे से रक्षाबंधन के कथानक का 3रा एपिसोड आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की।